नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टुडे एकेडमी के मार्च 2023 के मासिक राशिफल में आपका स्वागत है। जब भी किसी नए महीने की शुरुआत होने वाली होती है तो हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। कोई अपने करियर, जॉब या बिजनेस को लेकर चिंतित होता है, तो कोई अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और लव लाइफ के बारे में जानना चाहता है, वहीं कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर शंका में दिखाई देता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मार्च 2023 में विभिन्न ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के लिए कैसा फल लेकर आएगा। यदि आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। कुंभ राशि की बात करें तो आपके राशि के स्वामी शनि होते हैं। कुंभ राशि के लोग सबके प्रति अपने दिल में प्यार रखते हैं। आमतौर पर ये लोग थोड़ा शर्मीले स्वभाव के होते हैं और कम बोलने वाले होते हैं, हालांकि इनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। मार्च राशि फल की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस महीने करियर से संबंधित कोई फैसला बहुत सोच समझकर और समझदारी से लेने की आवश्यकता रहेगी। शनि स्वराशि के होकर आपके प्रथम भाव में रहेंगे। यहाँ उपस्थित शनि अपनी दशम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, जिसके कारण लाइफ में चैलेंजेस बढ़ेंगे और वर्क प्लेस पर कामकाज के दौरान आप खुद अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए कुछ खास नहीं रहेगा। आपको लाभ कमाने और बचत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के व्यापारियों को लाभ कमाने के अवसर बनेंगे और जीवन में चली आ रही परेशानियों का सामना करने के लिए आपको सक्षम बनाएंगे। आइए अब जानते हैं इस महीने आपकी फैमिली लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। शनि का फर्स्ट हाउस में बैठना पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ उलझनें पैदा कर सकता है। इस महीने परिवार के सदस्यों से तालमेल बनाए रखने के लिए आपको सहयोग करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के आपके सेकंड हाउस में होने से फैमिली के साथ अचानक कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो यह महीना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। इस समय शनि की दृष्टि आपके सेवंथ हाउस पर रहेगी, जिसकी वजह से जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकते हैं और साथ ही रिश्तों में मधुरता में कमी महसूस होगी। और कुंभ राशि के जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई गंभीर समस्या तो नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि बृहस्पति का सेकंड हाउस में और राहु का थर्ड हाउस में होना आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से जल्दी छुटकारा दिलाएगा, लेकिन शनि के फर्स्ट हाउस में होने से आपको मानसिक तनाव महसूस होगा। किसी प्रकार की बेचैनी और चिंता आपको बनी रह सकती है। एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए यह महीना शुभ रहेगा। आपको समय समय पर किसी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, जो आपके बहुत काम आएगा। कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस दिखाई देंगे, लेकिन शनि की उपस्थिति पहले घर में होने से आपको मानसिक तनाव जरूर बना रहेगा। मेडिटेशन और योग प्राणायाम से आप किसी भी तरह के स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस महीने आपके लिए लकी नंबर और लकी कलर क्या रहेगा। इस महीने आपके लिए लकी नंबर 4 रहेगा और लकी कलर स्काई ब्लू रहेगा। आइए अब जानते हैं इस महीने आपको क्या उपाय करने चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाएं और रात के समय काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। साथ ही घर और ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सुबह शाम ओम मंत्र चलाएं। मंत्र का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और यदि आप अपना लकी जेमस्टोन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल सेंड करें। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक और नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।